जनाब स्पीकर साहब, आप खुद माशाल्लाह हर पोस्ट पे रहे हैं, डिप्टी स्पीकर से लेकर गवर्नर के जो आखिरी हद है उधर तक, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्पीकर, सब कुछ। अभी इंशाल्लाह आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी कोशिश है कि मैं इस कुर्सी पर आ जाऊँ, आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ। लेकिन 2028 में, लेकिन लेकिन 2028 का कह रहे हैं, सुनने तो दे। देखिए 2028 में सफर करो, पता नहीं कौन जिंदा रहे, नहीं 2028 अभी 2028 में मैंने कहा। अच्छा 2028 जनाब स्पीकर साहब, हाँ मैं दोबारा भी बोल नहीं, 2028 कह रहे हैं, हमारे गवर्नमेंट में वो खराबियां पैदा नहीं करें। जनाब स्पीकर साहब मैं तीसरी दफा दोहराता हूँ कि इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर, एक मिनट जा, मेरी 2028 तक जिंदा रहेंगे। हाँ मैं तो बोलता हूँ, मैं तो किसी से, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने तो जनाब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इस सूबे के होने वाले चीफ मिनिस्टर हो, इंशाल्लाह सबर करो ना। 2028 में हम पता नहीं होंगे नहीं होंगे, हमारे बेटे जरूर होंगे इंशाल्लाह। आप जवान हैं, आपकी काली दाढ़ी, हम सफेद दाढ़ी हैं, भरोसा नहीं होता इंसान का एक दो दिन का। अच्छा अब सुने सर, आप थोड़ा सा सबर करो यार, बात को कंप्लीट करने, किसी को खुश करने में इसी वजात करो, खुश कर रहा है, छोड़ो अभी उसमें मैं मेन पॉइंट पे आ रहा हूं। आप रहे चाचा एक मिनट, आप चीफ मिनिस्टर रहे, दो दो फंड सीएम के पास होते हैं, एक एसएस होता है, एक डीएफ होता है। स्पेशल फंड जो होता है वो नवाजा जाता है, वो अलग है, और डीएफ डेवलपमेंट का जहां पे चीफ मिनिस्टर जाता है वो रखते वो थे, दोनों खत्म हो गए, दोनों कोर्ट ने खत्म कर दिए। ठीक है ओके। अब जो स्कीमें मैं, ये आप लोग थोड़ा सा शोर नहीं करना सर, ये तरक्की नहीं चाहते इस सूबे की, इन्होंने सबर कर। अच्छा पहले पहले पीएसडीपी को जाके हाई कोर्ट में चैलेंज किया, खिलाफ आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला तोड़ दिया, इनको मुबारक हो कि शुक्र है पीएसडीपी शुरू हो गई। अच्छा फिर चीफ मिनिस्टर समरी के जरिए कोई स्कीम अप्रूव करता है, एक समरी आती है, वो जो सुप्रीम क्या है, एक बजट होता है, एक रिवाइज बजट जो जिसको कहते हैं, वो उसमें फिर प्लस माइनस होता रहता है। नहीं नहीं कोई गड़बड़ नहीं, करप्शन की ये बार बार बात करते हैं। अरे भाई मैं चैलेंज पे कहता, मेरी बात सुन ले प्लीज, मैं चैलेंज पे कहता हूं अपने चीफ मिनिस्टर के लिए, अपनी जात के लिए, आपको चैलेंज है करप्शन हमारी साबित करें, हम उसी दिन जी इस चीज को छोड़े, मेरी बात कंप्लीट कर दे फिर आप मेन पॉइंट पे आ जाए। सरदार साहब मेन पॉइंट सर, बात यह है कि खुफिया राय दही, ये खुफिया बैलेटिंग होती है, एक मुंतखब हो के आ जाता है, एक हार जाता है, उसमें मुझे भी पता नहीं है कि मेरे बेटे ने, भाई ने, बीवी ने, किसने मुझे वोट दिया है नहीं दिया है, खुफिया राय दही। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये हमारा, ये अपना पार्टियां मुंसलिक है, ये मैं तो इनको पूरे पूरे 24 मेंबर हैं 23 मेंबर, मैं इनको खुश आमदीद कहता हूँ कि एक 10-10 लाख रुपए की स्कीमें जो है ना, ये आइडेंटिफाई करें, हम भी कोशिश करेंगे कि मेरे इलाके की ये आइडेंटिफाई करें, आके फीते काटें मेरे इलाके में। इनको खुश होना चाहिए कि मौलवी चीफ मिनिस्टर मिला है, आज हेलीकॉप्टर पर गया, खुशदार का जाके इफ्तिताह कर रहा है, कौन से नहीं नहीं वो अलग अलग टॉपिक है, वो पश्तो में बोलते हैं दा जला खबर आ दई, क्या 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 प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, हमने ख्वाब में नहीं देखे थे जो आज इस हकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हैं या बड़े लेवल के, आप लोग ओहो करते रहोगे। अब इनको खतरा ये है कि 2023 में जैसे पश्तूनख्वा मैप उड़ गई, नेशनल पार्टी उड़ गई, इंशाल्लाह जो भी मुखालिफ ये उड़ जाएंगे, फिर यही झूला झूलती हुकूमत होगी, और फिर यही इनके जो बाकी नुमाइंदे कुछ दो चार आ गए वो शोर करते रहेंगे, इंशाल्लाह कायम दायम ये पीटीआई और बाप पार्टी कायम दायम, आप 100 डेस्क बजाओ इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप फिर इसी स्पीकर की कुर्सी पर होंगे, इधर चीफ मिनिस्टर हमारा जाम साहब होगा, मैं इधर इरिगेशन का मिनिस्टर हूँ इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है चलो,
होती है, फिर टाउन है, फिर म्यूनसिपल है, फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, फिर इस तरीके। इसमें गुजारिश यह है कि मुख्तलिफ सफारशात, क्योंकि इस वक्त बलदियाती इलेक्शन नहीं हैं, पहले वाली जो भी मुंतखब ये लोकल गवर्नमेंट की बलदियाती जो भी थी वो अपनी मियाद पूरी करके फारिग हो चुके हैं। हमारी गवर्नमेंट ने एक सफारिश की है, मुख्तलिफ मरकज़ ने कुछ सफारिश की है जो पंजाब पे लागू कर रहे हैं, लेकिन हम उससे एग्री नहीं कर रहे। हम यहाँ पे यूनियन कौंसल, टाउन, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसी तरीके से जो हमारी ये है क्वेटा की है, एक ही है उसको आप हाँ मेट्रोपॉलिटन, तो हम इस पे सिफारिश कर रहे हैं। कैबिनेट में ये मसला डिस्कस हुआ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तहसील काउंसिल ओवरलैपिंग हो रही थी, उनको हमने ख़त्म करने की प्लानिंग किया हुआ है और इंशाल्लाह हम उसकी जो फर्दर है वो असम्बली में ले आएंगे। जायज़ बात है इनकी, हम इनकी यूनियन काउंसिल्स को, चूँकि पहले फंड यूनियन काउंसिल का अलग जाता था, डिस्ट्रिक्ट का अलग जाता था, ओवरलैपिंग होती थी, तो हम यूनियन काउंसिल को इतना पावरफुल बना देंगे, उसके ऑफिसर्स को हम प्रमोट कर रहे हैं ग्रेड वाइज। पहले वो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी होता था, अब वो 16-17 ग्रेड के होंगे। इसी तरीके से फिर इसी रेशो से हम आगे करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का फंड अलग जाता था, यूनियन का अलग जाता था, वो ओवरलैपिंग होती थी, उससे मसाइल पैदा होते। हम चाहेंगे आइंदा जब भी बलदियाती इलेक्शन होते हैं ये सिलसिला बनेगा, तो मैं फाजिल दोस्त को कहता हूं कि आपकी यूनियन काउंसिल को हम इतना स्ट्रांग कर देंगे कि वो जो डिस्ट्रिक्ट के फंड थे या तहसील के फंड थे वो यूनियन काउंसिल को, अगर पहले किसी यूनियन काउंसिल को 1 लाख मिलता था, एक मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, ये कोई ऑथेंटिकेटेड फिगर नहीं है, तो अब वो जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील वाला फंड है वो मिला के 5 से 10 लाख, मिसाल है 1 से 10, 5 गुना 6 गुना बढ़ जाएगा। तो वो इतनी खुद मुख्तियार होगी कि वो अपनी स्कीमात भी खुद करेगी यूनियन काउंसिल, उसको डिस्ट्रिक्ट की मोहताजी से और तहसील काउंसिल की मोहताजी से हम निकाल लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त इस चीज़ से मुतमैन होंगे, जब भी बलदियाती इलेक्शन हुए इंशाल्लाह हम इस पैटर्न पे जा रहे हैं। जो वो चाह रहे हैं कि वो मतलब कौन सी देही काउंसिल और ये मरकज़, हम उससे एग्री नहीं कर रहे। तो अभी जब ये इसका होमवर्क कम्प्लीट होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिस्टम रुका हुआ है, इनकी जायज़ बात है, ये अवामी नुमाइंदे हम इनकी कदर करते हैं, और ख़ास कर वाशुक का जो जहाँ जिक्र आता है दिल बागो बहार हो जाता है कि ज़ैबत रेकी साहब का जिक्र आ जाता है। तो हम हमारी इस हकूमत की कोशिश है जनाब स्पीकर साहब कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास रूट पर हम चले जाएँ, लोगों को डोर स्टेप पर हर सहूलत मिले। वो उसी की कंटिन्यूशन में हमने यूनियन काउंसिल को स्ट्रांग करना है, हमने टाउन को स्ट्रांग करना है, हमने म्यूनसिपल कमेटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन को इतना खुद मुख्तियार बना देना है कि वो सूबाई हुकूमत की भी मोहताज ना रहें, वो अपने फैसले खुद करें, जो भी उनका शेयर होता है। ये हमारी गवर्नमेंट का डे वन से है और इंशाल्लाह मैं अपने साथी को यकीन दिलाता हूं कि जब भी इलेक्शन का ये सिलसिला आएगा ये इम्प्लीमेंट होगा और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आप हैरान होंगे कि कितने हद तक हमने जी। शुक्रिया सरदार केतरा साहब।